नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृश्चिक लगन व धनु राशि के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन। सबसे पहले हम समझ लें कि वृश्चिक लगन व धनु राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 8 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका वृश्चिक लगन है। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है 9 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी धनु राशि। यानी आपका कॉम्बिनेशन अगर वृश्चिक लगन व धनु राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक लगन में अगर हम बात करें तो अभी तक राहु जो है मेष राशि में छठे भाव में चल रहे थे, अब वो पंचम में आ जाएंगे मीन राशि में। केतु द्वादश में चल रहे थे तुला राशि में, अब वो लाभ भाव में आ जाएंगे। धनु राशि में राहु चल रहे थे पंचम में, अब वो चौथे भाव में आ जाएंगे। और केतु चल रहे थे लाभ भाव में, अब वो दशम में आ जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु वक्री ग्रह हैं इसलिए उल्टे चलते हैं, इसलिए मेष से मीन की तरफ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि वृश्चिक लगन व धनु राशि में क्या तो राहु केतु के राशि परिवर्तन के क्या तो शुभ प्रभाव होने वाले हैं और कौन से प्रभाव अशुभ हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें वो प्रभाव जो पॉजिटिव प्रभाव है जो आपके लिए शुभ रहेंगे। पहली बात, कैरियर के लिए आपके शुभ समय होगा। वृश्चिक लगन से केतु लाभ भाव में आ रहे हैं और राहु भी त्रिकोण में ही बैठे हैं और गुरु की राशि में बैठे हैं, और धनु राशि से राहु केतु के अक्ष में दशम और चौथा भाव आ रहा है। यानी कैरियर में ये एक आगे बढ़ने का समय है, विशेषकर कैरियर में बदलाव का समय है। अगर आप वृश्चिक लगन व धनु राशि के जातक हैं और लंबे समय से जॉब बदलने के लिए सोच रहे थे तो आप मान के चलिए कि आने वाले 18 महीनों में आप किसी ना किसी कारणवश अपनी जॉब बदलेंगे, क्योंकि धनु राशि से दशम और चतुर्थ भाव राहु केतु के अक्ष में है। और जॉब बदलने के साथ साथ एक चीज और निश्चित है, आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। अब वो स्थान परिवर्तन ये हो सकता है कि आप विदेश चले जाएं, या वर्तमान नौकरी में आपका ट्रांसफर हो जाए, या आप जॉब के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाएं। दो बातें निश्चित हैं, एक तो आपके काम में बदलाव होगा, एक आपके रहने की जगह पर बदलाव होगा। और ये कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। अगर लंबे समय से आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो प्रमोशन होने की भी पूरी संभावना है। उसके लिए जरूरी है कि आपकी कुंडली में चंद्र, गुरु, सूर्य या बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो प्रमोशन की संभावना ज्यादा बनेगी। केतु लाभ भाव में आए हैं। लाभ भाव होता है हमारा इच्छा पूर्ति का भाव। यानी आने वाले 18 महीनों में आपके काफी ऐसे काम हो जाएंगे जो आप लंबे समय से करने की सोच रहे थे। विदेश यात्रा के लिए समय बना हुआ है। साथ ही वर्तमान में अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आने वाले 18 महीनों में आपके लिए कोर्ट केस में लाभ की स्थिति बनेगी। ध्यान रखिए, फिर कहूंगी, अगर आप वृश्चिक लगन व धनु राशि के जातक हैं तो वर्तमान काम में बदलाव का समय आ गया है। और अगर आप व्यापार कर रहे थे और व्यापार में किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते थे तो उसकी शुरुआत करने का समय बिल्कुल सही है। आने वाले 18 महीनों में आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। वर्तमान काम में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब हम बात करें अशुभ की नेगेटिव इफेक्ट क्या देगी वृश्चिक लगन व धनु राशि से। पहला इफेक्ट क्या होगा, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ने का अर्थ है कि किसी न किसी कारणवश आपके खर्चे होंगे जिसके कारण आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। संतान से जुड़ी कोई ना कोई चिंता आपको परेशान करेगी। इसमें जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। संतान के हेल्थ को लेकर, संतान की पढ़ाई को लेकर आप चिंतित रहेंगे और विद्यार्थियों को पढ़ाई में बाधा लगेगी, क्योंकि पंचम में जब राहु का गोचर होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। अगर आपको पढ़ाई में बाधा आ रही है तो आप पंसारी की दुकान से हर श्रृंगार के बीज ले सकते हैं और गुरुवार के दिन हर श्रृंगार के 11 बीज अपने सोने के तखिए में डाल सकते हैं। उन बीजों को सोने के तखिए में पड़े रहने दीजिए और उस तखिए का इस्तेमाल करिए सोते समय। ध्यान रखिएगा, उस तखिए के ऊपर पैर मत रखिएगा। हर श्रृंगार का जो पेड़ है उसके जो बीज है उसमें हनुमान जी का वास माना जाता है, उस तखिए को लगाने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। राहु पंचम में आ रहा है आपके विद्या बुद्धि के स्थान पे और धनु राशि से राहु आ रहा है चौथे भाव में आपके मन के स्थान पे। तो यार इन 18 महीनों में कभी कभी आपके सामने जब चंद्रमा नेगेटिव होगा बार बार आपके सामने भ्रम की स्थिति बनेगी, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। आप सोचेंगे कुछ करेंगे कुछ तो ये भ्रम की स्थिति आपको परेशान करेगी, इसलिए राहु का कोई ना कोई उपाय करिए। बुधवार या शनिवार को बहते पानी में कोयले प्रवाहित कर दीजिए। अपने घर के सफाई कर्मचारी को आप बुधवार या शनिवार को कुछ पैसे दे सकते हैं। आपके लिए आकर आप किसी ना किसी तरीके से आप कुत्ते की सेवा करिए, कुत्ते को कुछ भी खिलाइए, पेडिग्री, बिस्कुट, जो भी आप खिला सकते हैं। साथ ही साथ ये समय ऐसा होगा कि रात की नींद में आपको बाधा पड़ेगी और बाई चांस आपकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति है कि आपके छठे, पांचवें, चौथे या तीसरे स्थान पर ग्रह बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपकी नींद में बाधा पड़ेगी। नींद की बाधा की रेमेडी के तौर पर आप एक अमलतास की फली ले सकते हैं, उसको अपने सिराने रख लेंगे, उससे आपको नींद अच्छी आएगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि वृश्चिक लग्न में धनु राशि के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन वाकई आपके लिए शुभ जाए तो राहु और केतु की कोई ना कोई रेमेडी करते रहिए। केतु के लिए आप या तो नीम का पेड़ लगा सकते हैं या 10 से 18 साल तक के बच्चों को चाट पकौड़ी वगैरह खिला सकते हैं, उससे भी केतु की रेमेडी हो जाएगी। तो मेरा मानना है अगर आप वृश्चिक लग्न में धनु राशि के जातक हैं तो राहु केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए 60% तक बढ़िया जाने वाला है। ये परिवर्तन आपके कैरियर को एक नई दिशा देगा। वर्तमान समय में आप जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आएगा, तो 60% तक ये कैरियर ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।